खंड एक, राशन डीलरों की मांग के अनुसार राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में नियमितीकरण कर सम्मिलित करने संबंधी प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। खंड दो, राशन डीलरों की आयु 55 वर्ष से अधिक होने पर उचित मूल्य दुकानदारों के स्वेच्छा से लाइसेंस ट्रांसफर करने का प्रकरण वर्तमान में परीक्षणाधीन है। नंबर तीन, राशन डीलरों को मानदेय कार्मिक घोषित करने संबंधी प्रकरण वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, पीडीएस सिस्टम की ऑप्टिमम कंडीशन में 3 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी नहीं होनी चाहिए। इस हिसाब से 25 से 30 क्विंटल अलॉट होता है, कमीशन बनता है 3,000। उसमें दुकान का किराया, बिजली का बिल, पोस्ट मशीन सिम का रिचार्ज, पेपर रोल, ये खर्चा, तो क्या सरकार उचित मूल्य दुकानों के लिए किराए का भुगतान महिला व बाल विकास विभाग के आंगनवाड़ी केंद्र की तरह करने और शेष व्यय की प्रतिपूर्ति का विचार रखती है? यदि हाँ तो कब तक? अध्यक्ष महोदय, इसमें भारत सरकार के रूल्स रेगुलेशन बने हुए हैं, उनके अनुसार निर्धारित किया जाता है। मैं खुद भी चाहता था कि राशन डीलर बहुत बड़ी तादाद में है, 27,000 हैं, उनको लेकर हमने वित्त विभाग को एक प्रस्ताव भेजा है और उस प्रस्ताव में हम ये चाहते थे कि पूरे देश में स्टडी करवा लिया जाए हर स्टेट में और इनको इतना पैसा तो मिले जिससे उनको परेशानी नहीं हो, क्योंकि हमारे पास ये रिपोर्ट है कि कुछ राशन डीलर्स ने इस्तीफे दे दिए क्योंकि कई जगह बहुत छोटे हैं। कुछ विधायक ये चाहते थे कि 250 पे भी कर दिया जाए, लेकिन जहाँ 250 पे कर रहे हैं वो तो हट रहे हैं, वो तैयार नहीं हो रहे। तो हमने भारत सरकार को भी लिखा है, राज्य सरकार को भी लिखा है, हम खुद चाहते हैं इनका मानदेय बढ़े, वो कोशिश हम पूरी कर रहे हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 400